समर सीजन को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक बहुत ही अच्छा कूलर बनाते हैं। हम बनाएंगे आज क्यूकम्बर एंड लेमन कूलर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ढेर सारी क्यूकम्बर ली हुई है, ककड़ी ली हुई है। अभी आपके शहर में वो मोटी वाली, पतली वाली जो भी ककड़ी मिलती है आप वो ले सकते हैं। मैंने छिलके नहीं उतारे हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट थी और छिलके भी पतले थे। पर अगर आपके पास जो ककड़ी है उसके छिलके बहुत मोटे हैं तो प्लीज़ वो छिलके निकाल दीजिएगा, वरना वो पीसने में मुश्किल होता है। और हम सबको पता है कि ककड़ी गर्मियों में बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि उसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। अब मैं इसको एक जार में ले लेती हूँ। ये मैंने वज़न में देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम जितनी ककड़ी ली थी और इसमें से मैं 2 ग्लास कूलर बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। एक बार ऐसे ही घुमा लेते हैं और उसके बाद पानी ऐड करेंगे। अब ये मिक्सचर में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और एक बार फिर घुमा लेते हैं। अब ये देखिए ककड़ी तो बहुत अच्छे से पीस चुकी है। अगर आपको पुदीना अच्छा लगता है तो आप पीसने में भी पुदीना इसमें ऐड कर सकते हैं। पत्ते की अच्छी खुशबू आती है, पर आज मैं बहुत ही बेसिक बना रही हूँ। मैंने एक बड़ा सा एक कप ले लिया है और अब मैं ये जो हमने ककड़ी वाला मिक्सचर बनाया है उसको छान लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं, तो छान लेना अच्छा होता है। और अब थोड़ा सा पानी मैंने यही मिक्सचर जार में ऐड कर दिया है और अब वापस से मैं छान के ही इसको भी लूँगी। आप ये जब भी क्यूकम्बर को क्रश करें तो ये प्रपोर्शन का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अगर 150 ग्राम टू 170 ग्राम अगर क्यूकम्बर ली है तो उसमें 1 कप जितना ही पानी ऐड कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे ना तो वो जो क्यूकम्बर की महक एक होती है और फ्लेवर होती है वो बिल्कुल ही किल हो जाएगी, एंड देन आपको ऐसा लगेगा कि आप नॉर्मल पानी या नींबू पानी ही पी रहे हैं। तो प्रपोर्शन थोड़ा सा दिमाग में वो सही रखिएगा। मैंने यहाँ पे ये 1 चम्मच 1 टेबलस्पून शक्कर ली हुई है। आपको शक्कर नॉर्मल वाली नहीं चाहिए, ब्राउन शुगर ले सकते हैं, हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्दी रखना है तो। आपकी टोटली मर्जी है कि आपको कौन सा वाला स्वीटनर ऐड करना है, पर हाँ हल्का सा स्वीटनर आपको ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं पूरे 1 नींबू का रस ऐड कर देती हूँ। अब जाएगा थोड़ा सा चुटकी भर जितना नमक ऐड करेंगे। चुटकी भर नमक हमेशा ऐड करने से क्या होता है कि जो शक्कर की स्वीटनेस है ना वो इन्हांस हो जाती है। और अब सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। देखिए नींबू में शक्कर तो बिल्कुल घुल चुकी है। यही टाइम पे मैं ये क्यूकम्बर वाले मिक्सचर में ऐड कर देती हूँ और एक बार ये सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये एकदम पानी पानी नहीं है, ये थोड़ा सा गाढ़ा है। वो जो क्यूकम्बर का पल्प निकला था ना उसकी वजह से ये गाढ़ा है, इसीलिए बोला है कि क्यूकम्बर एंड पानी का प्रपोर्शन एकदम सही रखिएगा। ये क्यूकम्बर कूलर तो एकदम रेडी है। मैं अभी सीधा ही सर्व कर रही हूँ, पर अगर आप बना रहे हैं और टाइम है तो इसको एकदम ही चिल्ड करके फिर सर्व कीजिएगा। और मैं एक और बात बता दी हूँ कि मैंने यहाँ पर ये बेजिल सीड्स लिए हैं जो फालूदा आते हैं ना, जिसको तुकमरिया बोलते हैं, मैंने वो लिया हुआ है और थोड़े से पानी में भिगा दिया है। 5 मिनट भिगाओ ना तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्लास में ये थोड़े से तुकमरिया ऐड कर रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है और इसकी भी तासीर एकदम ठंडी होती है, इसीलिए ये जो सारी चीज़ें हमने ऐड की है आज के ड्रिंक में ये एकदम परफेक्ट समर के लिए है। और मैं कुछ ककड़ी की स्लाइस भी रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्फ़ इसमें मत ऐड कीजिएगा, वरना ये पूरा ये जो लिक्विड हमने बनाया है क्यूकम्बर का उसको डाइल्यूट कर देगा। इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो हमने ड्रिंक बनाया है क्यूकम्बर का उसको भी एकदम ही चिल्ड करके फिर सर्व करिए। थोड़े से बेजिल सीड्स मैं ऊपर भी रख देती हूँ और ये एक लाइम वेजेस मैंने काटे हुए हैं वो ऐसे साइड में रख देते हैं। लीजिए तैयार है समर को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक ड्रिंक क्यूकम्बर कूलर। नींबू पानी शिकंजी तो हर समर में हम पीते ही रहते हैं,
एक बार ये ट्राई करके देखो, कभी वापस से नॉर्मल वाला नींबू पानी नहीं पियोगे। अमेजिंग।